नागपुर के नाइट लाइफ का दुष्परिणाम फिर एक बार सामने आया है। सोमवार की रात कामले चौक के पास भारतीय जनता पार्टी नेता के बेटे सहित तीन व्यक्तियों पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। रात में शहर के एक निजी होटल में पार्टी कर बाहर जाते समय पैर लगने के विवाद से शहर में एक बड़ी घटना सामने आई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अर्जुन यादव, जो कि भाजपा नेता ओम प्रकाश उर्फ मुन्ना यादव का लड़का है, आशीष हजारी और आनंद शाह शहर के निजी होटल में पार्टी कर रहे थे। इसी जगह पर आरोपी प्रदीप उल्के अपने दोस्तों के साथ वहीं पर था। बाहर निकलते हुए आशीष को प्रदीप के दोस्त का पैर लगा, इसी के चलते दोनों में विवाद हुआ। होटल के सुरक्षा गार्ड ने सभी को बाहर निकाला। बाहर आने के बाद भी विवाद हुआ और वे वहां से निकल गए, मगर इसके बाद प्रदीप ने अपने दोस्तों को फोन कर इस बात की जानकारी दी। सभी ने अर्जुन और उसके साथियों को शहर के कामले चौक पर रोका और पत्थर से उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस हमले में अर्जुन यादव, आशीष हजारे और आनंद शाह जख्मी हो गए। अर्जुन और आशीष ने गंभीर जख्मी आनंद शाह को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही परिजनों को फोन कर खुद भी भर्ती हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश करी है। गंभीर रूप से जख्मी आनंद शाह, ये अर्जुन यादव के दोस्त के पिता हैं। उनके पास गाड़ी ना होने के कारण वे अर्जुन की गाड़ी में बैठे थे। दिनांक 25 डिसेंबर 2023 रोजी रात्री 2:30 वाजण्याच्या सुमारास मेडिकल चौक येथील व्ही आर मॉलमधील रेस्टॉरंटमध्ये पार्टी करून दोन ग्रुप बाहेर पडत असताना त्यांच्यामध्ये आपसामध्ये धक्का लागल्याच्या कारणावरून किरकोळ बाचाबाची झालेली होती। त्यांची बाचाबाचीची सोडवणूक करून त्यांना मॉलच्या बाहेर सिक्युरिटीच्या कर्मचाऱ्यांनी काढून दिले। त्याच्यानंतर एक पार्टी आपल्या घरी जाण्यासाठी मेडिकल चौक ते आजनीकडे जात असताना दुसऱ्या ग्रुपने त्यांचा पाठलाग करून त्यांना कांबळे चौक या ठिकाणी मोटरसायकल आडवी लावून त्यांचं फोर व्हीलर वाहन थांबवलं आणि त्यांना वाहनाच्या बाहेर काढून एकूण तीन जखमी यांना लाताबुक्या, त्याचप्रमाणे दगड आणि गट्टू अशा प्रकारे गंभीर मारहाण करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला। सदर प्रकरणामध्ये पोलीस स्टेशन इमामवाडा या ठिकाणी फिर्यादी नामे अर्जुन ओमप्रकाश यादव राहणार राजनी चौक यांनी न्यूरॉन हॉस्पिटल या ठिकाणी उपचार दरम्यान दिलेल्या जबाबावरून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे, गैरकायदेशीर मंडळी जमविणे, गंभीर जखमी करणे अशा विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या सदर गुन्ह्यातील आरोपीचा शोध आणि पुढील तपास पोलीस स्टेशन इमामवाडा या ठिकाणी करीत आहेत। यातील जे जखमी आहेत, तीनपैकी दोन जखमी अर्जुन यादव आणि आशिष नेहारे हे न्यूरॉन हॉस्पिटल धंतुली या ठिकाणी उपचार घेत आहेत, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे। तसेच त्यांच्यासोबतचा जखमी आनंद बिपिनचंद्र शहा वय वर्ष 53 हे यांना ट्रॉमा सेंटर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या ठिकाणी भरती करण्यात आलेलं आहे। सध्या त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे, पुढील उपचार सुरू आहे। पोलिसाकडून नमूद प्रकरणामध्ये आरोपींचा शोध करून त्यांच्या अटकेची कारवाई करण्यात येणार। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।